मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। वह 98 साल के थे और काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। दिलीप कुमार के पारिवारिक मित्र फैजल फारूकी ने एक्टर के ट्विटर अकाउंट से उनके निधन की जानकारी दी। पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी इस खबर से शोक की लहर फैली हुई है। दिलीप कुमार के निधन के बाद देश सहित अन्य देशों में उनके चाहने वालों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी सहित पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि दिलीप कुमार जी सिनेमा लेजेंड के तौर पर हमेशा याद रहेंगे, उनका जाना हमारी संस्कृति दुनिया के लिए नुकसान है। वहीं विधायक आरिफ मसूद ने भी अपने बयानों में उनको श्रद्धांजलि देकर देश के लिए बड़ी क्षति बताया है। बहुत बड़ा एक अफसोस का दिन है और एक बहुत बड़ा ऐसा कलाकार जिसने हिंदुस्तान में बहुत रोशनी दी और जिनके डायलॉग से जो वाकई में उस दौर की फिल्मी डायलॉग ऐसे होते थे कि उनके डायलॉग से लोग मुतासर होकर अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी पैगाम को देकर गए, जिसको बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट किया और बहुत आला दर्जे पर पहुँचे। हम सब उनको भोपाल की तरफ से खराज अकीदत पेश करते हैं और वाकई में एक दुनिया का बहुत अजीम शख्सियत, और मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ, मेरी बहुत करीबी मुलाकात उनसे रही और बहुत बार उनके साथ बैठना हुआ। पश्तो ज़बान के बड़े माहिर थे, पठान थे, उनका वाकई में बहुत ताल्लुक था उनसे हमारा, अफसोस हुआ और भोपाल की तरफ से खराज अकीदत पेश। इसी के साथ भोपाल में भी शोक की लहर देखने को मिली। मृदुभाषी से चर्चा के दौरान दिलीप कुमार के चाहने वालों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर सिनेमा अभिनेता रहे दिलीप कुमार का आज लंबी बीमारी के बाद मुंबई में निधन हो गया है। उनके चाहने वाले हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। राजधानी भोपाल में भी उनके निधन की खबर से शोक की लहर है। पुराने जमाने के अभिनेता रहे दिलीप कुमार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दी है। तो वही उनके चाहने वाले कुछ लोग भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो ये चचा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज दिलीप कुमार जी का निधन हो गया, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी दुख की बात है कि इतने महान कलाकार हिंदुस्तान के दिलीप साहब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी कमी फिल्मी जगत को जो है बहुत महसूस होती रहेगी। अब उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा। हमारे बीच वो नहीं रहे, इसके लिए बहुत बहुत सबको मतलब बहुत दुख है और हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नत फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो आप देख सकते हैं कि जो उनके चाहने वाले हैं वो साफ तौर पर दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वो सांस की बीमारी से पीड़ित थे और पिछले 29 जून से अस्पताल में एडमिट थे। हमारे साथ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। ये भाई हमारे साथ, सर आज दिलीप कुमार जी का निधन हो गया है, भोपाल में भी शोक की लहर देखने को मिल रही है। आज हमारे देश के लिए बड़े ही शोक का दिन है कि हिंदुस्तान का, फिल्म दुनिया का क्या, एक बहुत ही बड़ा नाम फिल्म जगत का, जिसको पूरी दुनिया द लेजेंड किंग के नाम से जानती थी, लंबे लड़ाई के बाद वो हमारे बीच नहीं रहे। हम सब बहुत ही गमजदा हैं और हम अपने मालिक से दुआ करते हैं कि यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार साहब की मगफरत फरमाएं और उनकी यादें जो हमारे बीच हैं, हम हमेशा उनको अपने बीच याद रखेंगे। और एक बहुत ही आलीशान चिराग हमारे बीच से चला गया, हम आज बड़े ही शोक ज़दा हैं, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। तो ये आप देख सकते हैं कि भोपाल में किस तरह दिलीप कुमार के निधन के बाद शोक की लहर देखने को मिल रही है। सूत्रों की माने तो दिलीप कुमार को आज शाम 5 बजे असर की नमाज के बाद जुहू स्थित एक कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा और लोग अभी से ही उनकी मगफिरत के लिए दुआ करने लगे हैं, उनकी जन्नत के लिए दुआ करने लगे हैं। मोहम्मद ताहिर खान, मृदुभाषी न्यूज़, भोपाल। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।